बनारस के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्जैन कॉरिडोर का शुभारंभ करने एमपी आ रहे हैं। वह 11 अक्टूबर मंगलवार को उज्जैन पहुंचेंगे, जहां उनके द्वारा श्री महाकाल लोक का शुभारंभ किया जाएगा। पीएम मोदी के दौरे के पहले ईएमएस चीवी ने शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद से उज्जैन के कायाकल्प को लेकर खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बातचीत करते हुए बताया कि मंदिरों में व्यवस्था होनी चाहिए, यह अच्छी बात है, इससे किसी को इनकार नहीं है। बस थोड़ी सी पीड़ा इस बात की मन में बनी रह जाती है कि नया करने के लिए पुराने को बड़ी बहमी से हटाया जाता है। उनका वह व्यवहार जो आस्था का केंद्र है, हजारों साल से जहां पर हमारे पूर्वज पूजा करते रहे हैं, उन मंदिरों को बुलडोजर लगाकर हटा दिया जाता है, नेस्तनाबूद कर दिया जाता है, नामो निशान मिटा दिया जाता है। यह सब जो नया बनाने के लिए किया जाता है, इसकी पीड़ा रह जाती है, बाकी सब अच्छा हो रहा है। मंदिरों में सुव्यवस्था होनी ही चाहिए, भव्यता भी होनी चाहिए, इससे किसको इनकार है। बस थोड़ी सी पीड़ा इस बात की मन में बनी रह जाती है कि नया करने के लिए पुराने को बड़ी ब्रूटली, मतलब बड़ी बेरहमी से हटाया जाता है। उनका वो व्यवहार जो आस्था का केंद्र है, हजारों साल से वहाँ पर हमारे पूर्वज पूजा करते रहे हैं, उन मंदिरों को बुलडोजर लगा के हटा दिया जाता है, नेस्तनाबूद कर दिया जाता है, नामो निशान मिटा दिया जाता है। ये सब जो नया बनाने के लिए किया जाता है, तो इसकी पीड़ा रह जाती है, बाकी तो अच्छा ही हो रहा है।